मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर में कल से अगले तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही विभाग ने अगले पांच दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उधर राज्य के पर्वतीय हिस्सों में बारिश और भूस्खलन से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य में कई ग्रामीण सड़क मार्ग भूस्खलन के चलते बाधित हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवान ने आज जानकारी दी कि केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर फाटा के पास कल शाम भारी बारिश के कारण चट्टान खिसकने और पहाड़ी से मलबा आने के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग आवागमन के लिए बाधित रहा। मार्ग खोलने का कार्य आज दिन भर जारी रहा। बारिश से उपजे हालात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले 72 घंटों में मॉनसून सक्रिय रहा है, जिससे अनेक जिलों में जलभराव के कारण नुकसान हुआ है। हरिद्वार में उन्होंने कहा कि मौसम की चेतावनी को देखते हुए सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर, चाहे आज हमारा चमोली जनपद हो, रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी, पौड़ी जनपद में कोटद्वार, दुगड्डा, उसके आसपास का क्षेत्र, नैनीताल का हल्द्वानी, रानीबाग, काठगोदाम वाला क्षेत्र, उधम सिंह नगर में सितारगंज, खटीमा, काशीपुर, बाजपुर, अनेकों स्थान जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण से अनेकों स्थानों पर सड़कों का नुकसान हुआ है, पेयजल की लाइनों का नुकसान हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जनहानि भी हुई है, इसके साथ साथ अन्य प्रकार की जो हानियां आपदा में हुई हैं। सभी स्थानों पर सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि तत्काल जो घटना स्थल हैं उन स्थलों पर पहुंचें और लोगों को जो तत्कालिक मदद हो सकती है वो मदद करें। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम की जानकारी लेकर ही अपने यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। उन्होंने कहा कि आपदा को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ने आपदा की जानकारी ली है, साथ ही केंद्र सरकार की टीम भी राज्य में आपदा का आकलन कर रही है। सभी चारधाम यात्रा है या आने वाले हमारे पर्यटक हैं, सभी को हमने कहा है, सभी से अपील की है कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही, मौसम अगर ठीक रहता है तो ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। जैसे मौसम विभाग अपनी भविष्यवाणी कर रहा है, अगर मौसम खराब रहने की स्थिति है तो अपनी यात्रा बहुत सोच समझ कर। केंद्र के स्तर से लगातार हमको मदद मिल रही है और इस बार रुक रुक कर कभी किसी स्थान पर, कभी किसी स्थान पर, कहीं अतिवृष्टि के कारण, कहीं भूस्खलन के कारण से बहुत सारे स्थानों पर काफी नुकसान हुआ है और केंद्र की टीम यहां आई है, उसने अभी हरिद्वार जनपद में भी अपना पूरा आकलन किया है, उसके बाद अन्य स्थानों पर भी कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का लगातार हमको हर प्रकार से भरोसा है कि हमारे राज्य की मदद की जाएगी।